हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 15 और 16 और बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 15। शाओशी सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है और वहां रिपोर्टर से कहती है, मैंने ही फेंगलैंग से जॉब की कही थी और हमारे बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय की रिलेशन है। देन सब क्लियर हो जाता है। शाओशी थोड़ी सैड हो जाती है ये सोचकर कि अब हमारे बीच सब एंड हो गया और वहां से चली जाती है। जाते टाइम उसे जियांगशु मिलती है और कहती है, अब से तुम फेंगलैंग से दूर रहना। वो शाओशी की इंसल्ट भी करती है और शाओशी को स्लैप भी मार देती है और कहती है, ये इसलिए क्योंकि तुमने मेरे फेंगलैंग को मुझसे दूर किया। शाओशी उससे माफी मांगने को कहती है पर वो मना कर देती है और कहती है, क्या तुम अभी भी अपने आप को वो शाओशी समझती हो जो फेंगलैंग की गर्लफ्रेंड है? शाओशी गुस्से में उसे स्लैप मार देती है। जियांगशु गुस्से में उसे फिर से स्लैप मारने की कोशिश करती है पर शाओशी इस बार उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जियांगशु फेंगलैंग को आता हुआ देखती है तो वो फेंगलैंग के सामने खुद ही विक्टिम बन जाती है और फेंगलैंग से कहती है कि शाओशी ने मुझे स्लैप मारा। शाओशी मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया पर फेंगलैंग शाओशी पर गुस्सा करता है और कहता है, हम दोनों एक वर्ल्ड से नहीं है इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ो, और उसे वहां से जाने को कहता है। शाओशी वहां से चली जाती है। शाओशी को बाहर फेंगली मिलता है। शाओशी उससे बचकर जाना चाहती है पर फेंगली उसके चीक्स पर स्लैप का निशान देख लेता है और उससे पूछता है कि ये किसने किया। शाओशी उससे कुछ भी क्लियर नहीं बताती। फेंगली को लगता है कि उसे स्लैप फेंगलैंग ने मारा है तो शाओशी उसे बताती है कि उसे फेंगलैंग ने नहीं, जियांगशु ने मारा है और मैंने भी उसे मार दिया इसलिए अब हम इक्वल हैं। फेंगलैंग जियांगशु से कहता है कि जहाँ तक मैं शाओशी को जानता हूँ वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए आज जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। फेंगलैंग जब शाओशी के पास जाता है तो जियांगशु हर्ट होने की एक्टिंग करने लगती है, इस वजह से फेंगलैंग उसके पास ही रुक जाता है। इधर जब शाओशी घर जाने लगती है तो फेंगली उसे अपने साथ वापस पार्टी में ले जाता है। फेंगलैंग उन्हें साथ में देखता है तो फेंगली से पूछता है, तुम शाओशी के साथ क्या कर रहे हो? फेंगली उसे बताता है कि शाओशी उसकी गर्लफ्रेंड है और अब से वो उसे परेशान ना करे, वैसे भी शाओशी अब तुम्हें भूल चुकी है। फिर फेंगली शाओशी को वहां से ले जाता है और उसके साथ डांस करता है। बाद में फेंगलैंग शाओशी से मिलता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओशी उससे बात करने से मना कर देती है। फेंगलैंग कहता है, मैं कल तुम्हारा कॉफी शॉप में वेट करूंगा, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। देन फेंगलैंग जियांगशु को उसके घर छोड़ने जाता है और पूछता है, क्या हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं? जियांगशु कहती है, अगर तुम इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो कल रात मुझसे आकर रेस्टोरेंट में मिलो, और फिर वो वहां से चली जाती है। इधर शाओबू शाओशी से पूछता है कि तुम्हारा तो फेंगलैंग से ब्रेकअप हो गया, अब तुम अपना कम्युनिकेटिंग डिवाइस वापस कैसे लोगी? शाओशी कहती है, मैं कम्युनिकेटिंग डिवाइस को फेंगलैंग के हर्ट में तभी फील करती हूँ जब उसकी हार्ट बीट तेज होती है, और अगर मैंने जबरदस्ती उसकी बॉडी से डिवाइस निकाला तो इससे फेंगलैंग को प्रॉब्लम हो सकती है। शाओबू कहता है, तुम फेंगलैंग की हार्ट बीट तेज मेडिसिन से भी तो कर सकती हो और इससे उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देन शाओशी जाकर मिलती है फेंगलैंग से कॉफी शॉप पर। फेंगलैंग उससे कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे ले लो और मुझसे और फेंगली से दूर रहो। शाओशी कहती है, अगर मैं तुमसे जो मांगूंगी और वो तुम्हें हर्ट करेगा तो क्या तुम उसे मुझे दे दोगे? फेंगलैंग हाँ कह देता है। शाओशी कहती है, पहले तुम मेरे साथ डिनर करो, उसके बाद मैं मांग लूंगी। तो फेंगलैंग उसकी बात मान जाता है। शाओशी चुपके से फेंगलैंग के ग्लास में मेडिसिन मिला देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। फेंगलैंग शाओशी से पूछता है, क्या तुम मेरी वजह से जा रही हो? शाओशी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर फेंगलैंग वॉशरूम जाता है। शाओशी उसके पीछे जाती है उसे मेडिसिन खिलाने पर गलती से वो मेडिसिन शाओशी के मुंह में चली जाती है तो शाओशी उस मेडिसिन को फेंगलैंग को खिलाने के लिए उसे किस करती है जिससे वो मेडिसिन फेंगलैंग के मुंह में चली जाती है। वो शाओशी से पूछता है, तुमने मुझे क्या खिलाया?
शाशी उससे कुछ भी बोल पाती उससे पहले वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और फिर उनसे बात करता है। कहता है किसी ने रिपोर्ट की है कि तुम दोनों पब्लिक प्लेस पर अनडिग्निफाइड थिंग कर रहे हो। वो दोनों कुछ नहीं बताते और आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो वो कहता है कि तुम दोनों खुद ही पहले नेगोशिएट कर लो और वहाँ से चला जाता है और रूम लॉक कर जाता है। फेंगलिंग की हालत खराब होने लगती है। शाशी को जब पता चलता है तो वो कहती है शायद वो मेडिसिन गलत थी, मुझे तुम्हें उसे नहीं देना था। फेंगलिंग को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि शाशी ने उसे हार्ट बीट इंक्रीज करने वाली मेडिसिन दी है। शाशी उसे सॉरी कहती है और डॉक्टर को कॉल करने की कहती है, पर फेंगलिंग उसे अपने पास रहने की कहता है। और थोड़ी देर बाद फेंगलिंग शाशी के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। इधर जियांग शू रेस्टोरेंट में फेंगलिंग का वेट कर रही है, पर फेंगलिंग नहीं आता तो वो मिस्टर हान को कॉल करती है। मिस्टर हान से बताते हैं कि फेंगलिंग शाशी के साथ बिजी है इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ सकते। जियांग शू को बहुत गुस्सा आता है और वो मीडिया में न्यूज स्प्रेड कर देती है कि वो और फेंगलिंग रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट डे जब फेंगलिंग जागता है तो वो शाशी से पूछता है कि उसने उसे कौन सी मेडिसिन खिलाई। शाशी कहती है मैंने तो बस तुम्हारी हार्ट बीट तेज करने वाली मेडिसिन दी थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उनका डोर खोल देता है और उन्हें लड़ते हुए देखता है तो कहता है आजकल के कपल्स छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। फेंगलिंग और शाशी साथ में उस पर चिल्लाकर कहते हैं हम कपल नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर हान फेंगलिंग को जियांग शू के बारे में बताते हैं कि उसने मीडिया में उनकी रिलेशनशिप के बारे में स्प्रेड कर दिया। तो फेंगलिंग जियांग शू की कंपनी में जाने की कहता है। तभी उसके पास शाशी आती है और फेंगलिंग से दोबारा मिलने की कहती है क्योंकि उसे अपना कम्युनिकेटिंग डिवाइस तो मिल ही नहीं पाया। फेंगलिंग कहता है अब तुम मेरे साथ और क्या करना चाहती हो, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फेंगली को जब जियांग शू और फेंगलिंग की रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो शाशी से मिलने जाता है और उसे उससे मिलकर पता चलता है कि शाशी को अभी इस न्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर फेंगलिंग भी उसे कुछ नहीं बताता और उसे बाहर घुमाने ले जाता है। इधर फेंगलिंग जियांग शू से मिलता है और कहता है तुमने मुझसे बिना पूछे मीडिया में ये बात स्प्रेड क्यों की। जियांग शू कहती है चलो इसी बहाने तुम मुझसे मिलने तो आए। फेंगलिंग जियांग शू से कल ना मिलने के लिए सॉरी कहता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जियांग शू उसे उनके ओल्ड हाई स्कूल की पिक्चर दिखाती है और फिर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है कि वो पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और जियांग शू ने उससे अपना लव भी कन्फेस किया था, पर तुमने कहा था कि तुम मुझे आंसर नेक्स्ट डे दोगे, पर नेक्स्ट डे बारिश होने की वजह से तुम सब भूल गए। फेंगलिंग उससे कहता है कि मुझे पास्ट का कुछ भी याद नहीं है और मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे पास्ट याद नहीं आता, इसलिए प्रेजेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जियांग शू फेंगलिंग से पूछती है क्या तुम अपना प्रेजेंट मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे। इधर फेंगली हर कोशिश करता है शाशी को बिजी रखने की जिससे उसे न्यूज के बारे में पता ना चले। जियांग शू से मिलकर वापस आने के बाद फेंगलिंग को अपनी कार में शाशी का बैग मिलता है और उस बैग में से फेंगलिंग को शावू मिलता है। मिस्टर हान कहता है कि हमें शाशी का बैग उसे वापस कर देना चाहिए। तो फेंगलिंग मान जाता है और उसका बैग उसे वापस देने जाता है और फेंगलिंग शाशी और फेंगली को साथ में देख कर जेलिस होता है और कहता है लास्ट नाइट तुम मेरे साथ थी और आज फेंगली के साथ, आखिर तुम चाहती क्या हो। शाशी के कहने से पहले फेंगली उस पर गुस्सा होने लगता है और शाशी को वहाँ से जाने को कहता है। शाशी फेंगली से कहती है कि फेंगलिंग की हालत सही नहीं है इसलिए तुम उससे लड़ना नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फेंगली फेंगलिंग से कहता है जब तुमने जियांग शू के साथ रहने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब तुम शाशी को परेशान क्यों कर रहे हो। अंदर रेस्टोरेंट में शाशी को जियांग शू और फेंगलिंग की रिलेशनशिप की न्यूज के बारे में पता चल जाता है तो वो फिर से बाहर आती है तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। फेंगलिंग फेंगली से कहता है भले ही मैं पास्ट में शाशी को लाइक करता था पर अब मैं उसे भूल चुका हूँ और मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, अब मैं क्या करूँ। तो फेंगली उससे पूछता है क्या तुम अब भी शाशी के साथ रहना चाहते हो या नहीं, इस बारे में तुम अच्छे से सोचो। बातों बातों में फेंगलिंग के चेस्ट में पेन होने लगता है। वो फेंगली से कह देता है कि मुझे शाशी की नीड नहीं है। शाशी ये सुन लेती है। शाशी बहुत सैड हो जाती है और वापस अपने रूम में आकर रोने लगती है
और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बाथ टब में बैठ जाती है। मिस चाई उसके पास जाती है और वो उसके लिए बहुत वरिड हो जाती है। वो शाओशी से कहती है कि तुम्हें फेंगलैंग की वजह से खुद को पेन नहीं देना चाहिए। शाओशी उनकी बात समझती है और कहती है, अगर फेंगलैंग मुझे लाइक नहीं करता तो मैं भी उसे लाइक नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे शाओशी फेंगलैंग से जाकर मिलती है और उससे कहती है, फेंगलैंग आई होप तुम अपने न्यू लव के साथ खुश रहो। फेंगलैंग उससे कहता है, हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुम उससे मिलने नहीं आया करो। शाओशी उससे कहती है, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी, और वो ये कहकर चली जाती है। देन फेंगलैंग जियांगशू से मिलता है और उससे कहता है, मैंने बहुत सोचा और ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। जियांगशू उसे हग करती है और कहती है, तुम्हें मुझे एक चांस तो देना चाहिए, और अगर तब भी तुम्हें कुछ भी फील ना हो तो मैं खुद ही तुम पर गिव अप कर दूंगी। शाओशी की पावर अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। वो कई जगह अपने आप ही पहुंच जाती है। जब वो फेंगली को कॉल करती है और जब फेंगली फेंगलैंग का नेम लेता है तो शाओशी कंपनी में पहुंच जाती है अपनी पावर से, उन्हें बिना यूज करे ही। पर उस टाइम शाओशी कंडीशन संभाल लेती है ये कहकर कि वो पहले से ही कंपनी में थी। फेंगली फिर से शाओशी के सामने फेंगलैंग का नेम लेता है तो शाओशी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो वो फेंगली से कहती है कि वो फेंगलैंग का नाम ना ले और उससे कहती है, अगर तुम्हें पता चले कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो क्या तुम मुझे बचाओगे? फेंगली कहता है, मैं तुम जैसे क्यूट मॉन्स्टर को जरूर बचाऊंगा। देन फेंगली उसे घर छोड़ने जाता है। रात के टाइम शाओशी अपने रूम में आराम से अपने बेड पर सो जाती है। उसे ड्रीम्स फेंगलैंग के आते हैं तो सुबह वो फेंगलैंग के बेड पर पहुंच जाती है और सोते सोते वो बेड से गिर जाती है। तभी फेंगलैंग की डोरबेल बजती है। फेंगलैंग जाकर देखता है तो वहाँ जियांगशू होती है। जियांगशू उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। जब शाओशी जागती है तो वो चुपचाप वहाँ से जाना चाहती है, पर उससे वहाँ रखा फ्लावर पॉट गिर जाता है जिससे आवाज होती है। और ये एपिसोड यही एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।